प्रीव्यू शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप ये प्रीव्यूज पहली बार देख रहे हैं, जस्ट साइन इन का मतलब यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। अगर यहाँ टिक है, जैसे आप देख सकते हैं पिच के नीचे टिक है, इसका ये मतलब है कि जो पिच है वो प्लेयर को सूट करती है। क्रॉस है मतलब वहां पे खराब है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रॉस मतलब उस प्लेयर का स्पेसिफिक का फॉर्म खराब है। उसके अलावा यहाँ आपको दिख रहा है एक अपॉर्चुनिटी मीटर ऑन द टॉप राइट एंड रिस्क मीटर ऑन द बॉटम राइट। तो अपॉर्चुनिटी मीटर जितनी ज्यादा ज्यादी उतनी ज्यादा अच्छा, मतलब प्लेयर को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन द गेम। जैसे जयसवाल ओपनिंग करते हैं तो उनकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ जाती है, या अगर आप कोई ऑलराउंडर का प्लेयर कार्ड देखेंगे तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज्यादा होगी, एज लाइकली ज्यादा है कि वो ज्यादा खेलें। रिस्क मीटर एक मिक्स चीज है, बोलर्स के लिए ज्यादा हो तो बेहतर एंड बैटर्स के लिए कम हो तो बेहतर, क्योंकि अगर बैटर कम रिस्क लेता है मतलब आपको ज्यादा फैंटेसी वैल्यू दे सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं विद जॉस बटलर। वाल अगर ज्यादा रिस्क ले रहा है मतलब बाउंड्री बोनस पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, बट ये भी चांस है कि जल्दी आउट हो जाए। तो रिस्क मीटर जितना कम बेहतर फॉर द बैटर एंड जितना ज्यादा फॉर द बॉलर उतना बेहतर, क्योंकि अगर एग्रेसिव बॉलर है तो विकेट लेने के चांस ज्यादा। एंड रिस्क ड्रॉप का क्या मतलब है कि क्या सिचुएशन में आप इस बैटर को ड्रॉप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल दो कैन बी क्रैम्प विद बॉल्स क्लोज टू द बॉडी, मतलब अगर कोई पेसर है सामने वाली टीम में जो उस तरीके की बॉलिंग करता है तो आप चांस ले सकते हैं उस स्पेसिफिक बैटर पे। तो ये हुए मतलब इन स्पेसिफिक चीजों का, एंड अब चलते हैं प्रीव्यू की तरफ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रीव्यू में। एक दिन के ब्रेक के बाद गुजरात बनाम दिल्ली का है मुकाबला। कल का गेम मैंने नहीं खेला जान के, ना ही मैंने खेला उस गेम में जीएल्स ना मिनी जीएल्स, खाली एक दो जीएल्स ज्वाइन की, एसएल्स तो बिल्कुल नहीं खेले, बिकॉज काफी रिस्की गेम्स चल रहे हैं एंड बहुत सारे रन बन रहे हैं, तो जरूरी था थोड़ा रुक के इंट्रोस्पेक्ट करना। बट ये गेम खेलेंगे हम वापस, एटलीस्ट मिनी जीएल्स एंड जीएल्स एंड गिव अवे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ऑन माई मास्ट 11 ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। गेम खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, जहां हम वापस एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफी सारे रन। गुजरात टाइटंस हो सकती है फेवरेट टू विन दिस गेम, क्यों ये जैसे हम प्रीव्यू डिस्कस करेंगे आगे आप समझ जाएंगे। एंड इंश्योर आप प्रीव्यू एंड तक देखिए, एक नया सेक्शन होगा इस प्रीव्यू में जहां हम समझने की कोशिश करेंगे क्या आप रिस्क ले सकते हैं जब आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं। क्योंकि एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, अब जिस जिस तरीके से गेम्स जा रहे हैं 8-10 विकेट्स भी गिर रहे हैं एंड 200-200 रन भी बन रहे हैं, सो इम्पोर्टेंट है कि आप एक से ज्यादा टीम बनाएं एंड मिनी जीएल्स एंड जीएल्स में पार्टिसिपेट करिए। एंड कुछ नए फीचर्स भी लाइव है माई मास्ट 11, जहाँ आप टीम के प्रीव्यू सेक्शन में एक बार टैप करते हैं तो आपका कैप्टन वहां सेलेक्ट हो जाता है, 2 बार टैप करने पर वाइस कैप्टन, स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो प्लेयर निकल जाएगा एंड फिर आप ऊपर से ऑटोमेटिकली एक प्लेयर वहां सेलेक्ट कर सकते हो, ये सब इन द प्रीव्यू सेक्शन। तो थोड़ा आसान हो जाता है आपका डेडलाइन, जब जब मैं आपको बोलता हूँ अच्छा प्लेयर आउट हो गया जल्दी से चेंज करो, क्योंकि यहाँ पे डेडलाइन भी 1 मिनट एक्स्ट्रा खुली होती है, तो ये सब चीजों के हिसाब से आपकी मदद हो जाती है। तो इंश्योर आप साइन अप कर लें एंड आप बढ़ते हैं आगे की तरफ स्ट्रेट टुवर्ड्स द टैक्टिकल कॉर्नर। एंड यहाँ पे मोस्टली हर सेक्शन में आपको येलो या ग्रीन ही दिख रहा है, क्योंकि दोनों टीम्स काफी स्ट्रॉन्ग। डीसी ने अपनी मिडिल ऑर्डर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर दी है विथ जेएफएम स्टब्स, रादर जेक फ्रेजर मैकगर्क होप एंड ऊपर है डेविड वॉर्नर। एक जो कंसर्न पॉइंट अब तक अभी के लिए रहेगा वो होगी दिल्ली की बोलिंग, स्पेशली डेथ बोलिंग, क्योंकि अभी वो जा रहे हैं विथ एन ऑल इंडियन अटैक एंड डेथ बोलिंग ज्यादातर मुकेश कुमार के हाथों होगी। एंड अगर मिलर खेल गए एंड स्पेशली 11 में वहां पे वापस आ गए तो उनके लिए वहां पे एक ट्रीट हो सकता है उस सेक्शन में। एक और बात का ध्यान रखिए कि वाइल्ड डीसी का मिडिल ऑर्डर अब स्ट्रॉन्ग है, आएंगे वो किसके सामने, राशिद एंड नूर, एंड राशिद एंड नूर के सामने शे होप ने राशिद के सामने स्ट्रगल किया है इन द सीपीएल, उसके पहले जेएफएम ने भी थोड़े चैलेंजेस थे इन फ्रंट ऑफ राशिद इन द बीबीएल। ये सब आपने पहले नहीं देखा होगा बट याद रखिए ये पॉइंट्स यहाँ पे काम आएंगी। एंड हो सकता है राशिद एंड नूर वहां पे एक पार्टनरशिप तोड़ के 2-3 विकेट सीधा झटके से ले जाएं, स्पेशली क्योंकि पंत का भी मैचअप कुछ खास नहीं है वर्सेस राशिद, तो इस पॉइंट का बिल्कुल ध्यान रखिए। उसके अलावा शुड बी अनदर स्टैंडर्ड गेम। रिमेंबर टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम @FantasyCricPro, फाइनल टीम्स अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगी, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड लाइक ऑलवेज, आपको कॉन्टेंट पसंद आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करना मत भूलिएगा। वेदर रिपोर्ट क्लियर है इस मुकाबले के लिए, पूरा गेम देखने को मिलना चाहिए, बहुत सारी ह्यूमिडिटी। एंड पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो अब तक अच्छी बैटिंग पिचेस देखी है हमने। फर्स्ट इनिंग्स में कभी कभी बॉल थोड़ा सा पकड़ के आता है एंड सेकेंड इनिंग्स में और बेहतर हो जाता है फॉर बैटिंग, यही हमने देखा है। जनरली इस ग्राउंड पे हम 200 तो नहीं देखते हैं, 180-190 वाला ही ग्राउंड होता है, क्योंकि डायमेंशन ठीक ठाक, प्लस टू स्टार्ट ऑफ इतना आसान नहीं होता टू बैट इन, फिर जैसे गेम बढ़ता जाता है इट गेट्स बेटर।
एंड लाइनअप्स की बात की जाए तो सिमिलर 11 यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्पेंसर या नूर में से एक खेलेंगे एंड ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मिलर फिट हुए तो सहा आ जाएंगे। सो लेट्स सी कि कैसा वो लाइनअप रहता है फॉर जीटी। डीसी जीत के आ रही है सो आई डोंट थिंक कुछ खास यहाँ पे चेंज करेंगे। लेट्स सी अगर यहाँ पे शे होप खेलते हैं तो कौन से बॉलर यहाँ पे स्लॉट इन स्लॉट आउट हो जाते हैं, क्या इनको एक एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए या जेक फ्रेजर मैकगर्क को खिलाएंगे, ये सब बातों का सवाल का जवाब इनको देना पड़ेगा। सो लेट्स गेट टू द होम टीम गुजरात टाइटन्स। यहाँ पे शुभमन गिल बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर्स एट दिस वेन्यू एंड वर्सेस डीसी भी अच्छा खासा इन्होंने काम किया है। सो आपकी बेस टीम में तो बिना कोई डाउट इन्हें जगह मिल जाएगी, बट एक इंटरेस्टिंग मैचअप है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। रिदवान साहा खेलते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं इन योर ग्रैंड लीग टीम्स। बेस टीम में नहीं ले पाओगे, एज दूसरी तरफ है ऋषभ पंत जिनका फॉर्म अच्छा है तो आप बेस टीम से उन्हें छोड़ नहीं पाएंगे उस सेक्शन में। साई सुदर्शन स्टेबल प्लेयर है, एक मैच में 62 रन वर्सेस डीसी एंड इस वेन्यू पे बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर्स। पहले बैटिंग करते हो और भी वैल्यूबल हो जाते हैं, सेकेंड बैटिंग में थोड़ा सा इन पे चांस ले सकते हो एज जब रन का प्रेशर होता है कभी कभार वहां पे। डेविड मिलर अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली टीम में रहेंगे, एक अच्छी खासी एवरेज एट द वेन्यू एंड वर्सेस डीसी। याद रखिए सामने वाली टीम में जैसे मैंने कहा डेथ बॉलिंग के कंसर्न है एंड ये आते हैं द मिडल ओवर्स एंड जनरली रह जाते हैं टिल द डेथ, तो अच्छा खासा इनका रोल हो सकता है इन दिस गेम एंड नंबर्स भी अच्छे खासे अगेंस्ट दिस टीम। अजमतुल्ला उमरजाई स्टार्टिंग में अगर कुछ मूवमेंट हुई स्पेशली वाल बॉलिंग फर्स्ट तो उसको एक्सप्लॉयट करेंगे, साथ साथ में आपको बैटिंग वैल्यू भी दे सकते हैं। सो डेफिनेटली अ टॉप चॉइस इन दिस गेम एंड स्पेशली अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो डेफिनेटली टीम में रहेंगे। माई मास्ट 11 पर चल रहे हैं सम इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। 19 में आप जीत सकते हैं बाइक, 15 में जीत सकते हैं आईफोन, 15 15 रुपीज एंट्री फी की बात कर रहा हूँ मैं। सो अच्छा चांस है, मल्टीपल टीम्स बनाई है ऐसे कॉन्टेस्ट में क्योंकि जिस तरीके के गेम्स खेल रहे हैं एसएल खेलना रिस्की है, बट आप ऑब्वियसली ग्रैंड लीग इस तरीके की लीग बिल्कुल खेल सकते हैं। अभिनव मनोहर अच्छी खासी पिक, पहले बैटिंग करेंगे तो ये और शाहरुख खान दोनों डेंजरस पिक्स बन जाते हैं। हमने देखा लास्ट ईयर इन्होंने बहुत सारे अच्छे नॉक्स खेले, ये साल पता नहीं कि अब तक इतनी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं इन्हें, बट पहले बैटिंग करते हुए हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उस केस में ग्रैंड लीग में ट्राई करेगा। शाहरुख खान भी अच्छे पिक बन सकते हैं, याद रखिए कुछ ऑफ स्पिनर्स भी कर सकते हैं सामने वाली टीम में, दिल्ली में काफी सारे लेफ्ट हैंडर्स भी हैं तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा। एंड पहले बैटिंग करते हो आपके लिए डेंजरस पिक बन सकते हैं डाउन दी ऑर्डर। सेम फॉर राहुल टेवटर, तो दो तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जो थोड़े सिमिलर कैटेगरी में आते हैं, लेट्स सी कि किनको खिलाते हैं किनको नहीं खिलाते हैं। राशिद खान स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक ये मेरे लिए होंगे एक्स फैक्टर पिक इस गेम में, एक टॉप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस भी मेरे लिए इस गेम में अलोंग विद गिल। क्यों, 11 मैच में 18 विकेट्स वर्सेस दिल्ली एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उस दिल्ली टॉप ऑर्डर में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो लेग स्पिनर एंड रिस्ट स्पिन के सामने इतना कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो हिसाब से ही उन्हें परेशान कर सकते हैं। 13 मैच में 16 विकेट, स्पेशली अगर चेजिंग में डालते हैं इसका ये मतलब है कि सामने वाले बैटर्स जो है उन्हें डिफेंड करके तो नहीं खेल सकते, तो उस केस में इनका केस और भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। उमेश यादव बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैचअप है, लास्ट 5 साल में वार्नर को 2 बार आउट कर चुके हैं और उसके पहले भी आउट किया है एंड लास्ट जो 5 साल है स्ट्राइक रेट भी वार्नर का कुछ खास नहीं रहा इनका सामने, तो वार्नर के सामने जब आपको वार्नर में ड्रॉप करना ग्रैंड लीग में तो उन टीम में बिल्कुल उमेश यादव को ले लीजिएगा। मोहित शर्मा बॉलिंग फर्स्ट बहुत अच्छी पिक वर्सेस दिल्ली, 1 मैच में 2 विकेट्स एंड एट अहमदाबाद 10 मैचेस में 26 विकेट्स, बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर्स एंड पहले बॉलिंग करते हुए ग्रैंड लीग में सीवीसी चॉइस क्योंकि हमने देखा है कि 2 से 3 ओवर्स ये डेथ में डाल लेते हैं। स्पेंसर जॉनसन अब तक कुछ खास कर नहीं पाए, कंडीशंस ने इन्हें कुछ खास असिस्ट किया नहीं है एंड आई डोंट नो कि कुछ खास कर पाएंगे कि नहीं है, क्योंकि होगा 1 मैच या 2 मैच होंगे जहाँ के 3 4 विकेट ले लेंगे, बट कब आएगा वो गेम यू नेवर नो। सो नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक। नूर अहमद इनके पास भी वो सेम एडवांटेज रहेगा जिस जो राशिद के पास होगा इस गेम में, टू बोल अगेंस्ट एन ऑर्डर जो स्पिन के सामने कुछ खास खेल नहीं पाती, तो ये भी एक एक्स फैक्टर पिक बनेंगे। सेकंड बोलिंग करेंगे तो डेफिनेटली मेरी बेस टीम में इन्हें जगह मिल जाएगी। अब चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ, यहाँ पे है डेविड वॉर्नर 2 मैचेस में 39 रन। अगर उमेश को अच्छे से खेल लिया तो सामने जो बाकी के बॉलर्स हैं ऐसे कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो इन्हें
इजिली निकाल पाए, जब तक राशिद और नूर का मौका आएगा तब तक इनके एटलीस्ट 30-35 रन बन जाएंगे, तो आपका फैंटेसी कंट्रीब्यूशन वो हिसाब से हो जाएगा। हेंस मेरे हिसाब से एक अच्छे कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी चॉइस। पृथ्वी शॉ बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर्स एट दिस वेन्यू, 47 की एवरेज, 3 मैचेस 142 रन, एंड अगर अपफ्रंट मूवमेंट नहीं रहा तो डेफिनेटली ये मेरी बेस्ट टीम में रहेंगे, क्योंकि रन का ट्रेंड अब तक रहा है। अभिषेक पोरेल में भी अब नीचे आ जाएंगे, एक गेम ऊपर बैटिंग की एक गेम नीचे, सो लेट्स सी। स्टे होप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर जल्दी विकेट्स नहीं गिरे तो ये भी नीचे आ जाएंगे, बट अगर जल्दी विकेट गिरता है तो स्टे होप का काम आप बन सकता है। लास्ट गेम में क्लासी फिनिश खेल के गए थे फॉर दिस टीम। ऋषभ पंत 1 मैच 43 रन, एट अहमदाबाद 3 मैचेस 88 रन, वापस अगर जल्दी विकेट्स नहीं गिरे तो ये ऊपर आ जाएंगे, एंड प्लस आपको कीपिंग वैल्यू भी देंगे। इनका मैचअप कुछ खास नहीं है इन फ्रंट ऑफ राशिद खान, बट क्योंकि ये वो इंडियन बैटर है इन द मिडिल ऑर्डर, इन्हें पकड़ के रखना पड़ेगा इस ऑर्डर को वर्सेस नूर एंड राशिद। अगर ये जल्दी आउट हो गए तो फिर हो सकता है कि ये 2-3 विकेट वहां पे जल्दी गिर जाए। ट्रिस्टन स्टब्स वापस, इनके भी अच्छे नंबर्स एज फार एज द रिसेंट फॉर्म इज कंसर्न, ऑफकोर्स वर्सेज जीटी एंड एट अहमदाबाद खेले नहीं है, एंड अच्छी बैटिंग कंडीशन हुई तो वर्थ कंसिडरिंग, बट वही प्रॉब्लम है, इन सबके सामने वो राशिद का फैक्टर उभर के आएगा। अक्षर पटेल 3 मैचेस 71 रन, ये इनका होम ग्राउंड है, नॉट फॉर दिल्ली बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एज अहमदाबाद, एंड 4 मैचेस 4 विकेट्स एट द वेन्यू, सो डेफिनेटली अ पिक वर्थ कंसिडरिंग। जैसे मैंने कहा, सामने वाली टीम की कुछ स्ट्रगल्स रही हैं इन द मिडिल ऑर्डर, एंड स्पेशली अगर डेविड मिलर नहीं खेलते तो फिर और भी डेंजरस बन सकते हैं अक्षर पटेल, स्पेशली वेल बोलिंग सेकेंड। ललित यादव पता नहीं क्या बैक करके खिला रहे हैं इन्हें, बट क्या कहूँ मैं। चलिए नेक्स्ट पिक की तरफ, कुलदीप यादव खेलते हैं इस गेम में तो डेंजरस बनेंगे, 3 मैच में 2 विकेट्स वर्सेस जीटी, बट जैसे मैंने कहा जीटी के मिडिल ऑर्डर में कुछ कंसर्न्स है, एंड अगर डेविड मिलर नहीं खेलते हैं ये एंड कुलदीप सेकंड बॉलिंग करते हैं तो चेज में बहुत ही डिस्टर्ब कर सकते हैं। मुकेश कुमार बॉलिंग फर्स्ट कंसिडर कर सकते हैं, कुछ गेम्स में विकेट्स लेके गए हैं, उसके अलावा रिकॉर्ड कुछ खास नहीं, पिच भी जनरली ने सूट करेगी नहीं एज ये स्टार्टिंग के ओवर्स में वहां डालते नहीं है, तो पहले बॉलिंग में कंसिडर कर सकते हो, बट जिस हिसाब से रन बन रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टू पिक सच अ बॉलर। सेम फॉर ईशांत शर्मा, ये ऐसे फेजेस में डालते हैं जहां ज्यादातर विकेट्स मिलने की अपॉर्चुनिटीज होती नहीं। एट अहमदाबाद 4 मैचेस 3 विकेट, स्टार्टिंग में ऐसा कहा गया पिच रिपोर्ट में कि बहुत मूवमेंट होगी ये वो, तो ये 2-3 GL टीम्स मैंने ट्राई कर लेना। हेनरिक नोकिया खेलते हैं तो बेस टीम में आ जाएंगे, बट नॉट श्योर कि ये खेलेंगे कि नहीं। सेम फॉर जाय रिचर्डसन, बस डिस्कस कर रहा हूँ इन प्लेयर्स को क्योंकि अगर खेलते हैं तो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली एनरिक नोकिया विथ इज रॉ पेस, एंड खलील अहमद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस गेम में, 3 मैच में 5 विकेट्स इन फ्रंट ऑफ जीटी एंड एट अहमदाबाद 1 मैच में 2 विकेट्स, तो ये डेफिनेटली रहेंगे बेस टीम में, स्पेशली अगर पहले बॉलिंग करते हैं। मिचेल मार्श लेट्स सी अगर वापस आते हैं कि नहीं, आते हैं तो विद द बॉल इनका भी रोल बन सकता है, ये आएंगे तो प्रॉब्ली वन ऑफ द 4 फॉरेन बैटर्स, या तो शे होप बाहर जा सकते हैं या तो प्रॉब्ली जेक फ्रेजर मैकॉक, लेट्स सी, बट जेक फ्रेजर का भी लास्ट गेम में एक अच्छा नॉक आया था, उसके अलावा एक्सचेंज 22 पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो अभी के अभी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के मैचअप्स की, डेविड वार्नर वर्सेस उमेश यादव, 99 और 67 एंड 5 डिसमिसल्स, लास्ट 5 साल में भी 2 बार आउट कर चुके हैं, 17 और 17। ऋषभ पंत वर्सेज राशिद 87 और 76 एंड 2 डिसमिसल्स, एंड शुभमन गिल वर्सेज खलील अहमद 30 और 25 एंड 2 डिसमिसल्स। सो कुछ इंटरेस्टिंग मैचअप्स यहाँ पे जो आपको जीएल में काफी काम आएंगे, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, अभी आप समझ गए कि कौन से प्लेयर्स के अच्छे रिकॉर्ड है खराब रिकॉर्ड है, तो जल्दी से बना बना लेते हैं हमारी आज की फैंटेसी टीम। सो वी गेट स्ट्रेट टू द फैंटेसी टीम, यहाँ पे कीपिंग सेक्शन में ऋषभ पंत होंगे एक अच्छी खासी चॉइस, से हो पहले बैटिंग करते तो कंसिडर कर सकते हो, मैथ्यू वेड भी एक ठीक ठाक चॉइस है, एंड वन बिटवीन वेड और साहा विल प्ले। बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो गेल एंड वार्नर डेफिनेटली आपकी टीम में रहेंगे, पृथ्वी शॉ के भी नंबर्स अच्छे खासे तो मैं बिल्कुल कंसिडर करूंगा, साई सुदर्शन इफ बैटिंग फर्स्ट विल बी इन माई टीम। अब आपको बैटर्स के साथ जाना ही पड़ेगा क्योंकि हम देख रहे हैं ये लोग एक के बाद एक गेम में फ्लैट पिच बना रहे हैं, हो सकता है इस गेम में मैं बैटर्स ले रहा हूँ तो सारे बैटर्स जल्दी आउट हो जाए, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि पिच रिपोर्ट तो कुछ खास एक्यूरेट आजकल आ नहीं रही। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो अभी के लिए तो एक ही ऑलराउंडर होगा वर्थ कंसिडरिंग, अक्षर पटेल, अजमत खेलते हैं तो टीम में रहेंगे, मिचेल मार्श खेलते हैं तो टीम में रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो राशिद खान कुलदीप यादव होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइसेस, कुलदीप ऑफ कोर्स इफ ही प्लेज, मोहित शर्मा बॉलिंग फर्स्ट, खलील अहमद बॉलिंग फर्स्ट, दोनों में से एक को आप पिक कर सकते हो। अब बचता है आपके पास एक स्लॉट, ये एक स्लॉट में अभी के लिए मैं जाऊंगा विद ट्रिस्टन स्टब्स, जेक फ्रेजर मैकगर्क, आई नो कि उन्होंने लास्ट गेम में 50 मारा, बट मैं चाहता हूँ कि आप
जाके वापस उस नॉक को स्टार्ट टू एंड देखिए, एंड अगर आपको लग रहा है आप कन्विंस्ड हो विद द पिक, आप बिल्कुल जा सकते हैं उनके साथ। बट मुझे लगा कि स्ट्राइक रोटेशन उनका खास नहीं था, 20 ऑफ 18 पे बैटिंग कर रहे थे तब क्रूनल पांड्या ने आके वो एकदम बकवास ओवर डाला था। बट अगर वो ओवर नहीं होता था, बहुत पॉसिबल अगर रवि बिश्नोई ओवर डाल रहे होते तो वहां पे उन्हें कासिल कर जाते। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ खराब बैटर है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा समय लगेगा टू अंडरस्टैंड कि स्ट्राइक रोटेशन भी यहाँ पे जरूरी है, एंड राशिद एंड नूर उनका काम खास कुछ आसान करने नहीं वाले। कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस की बात की जाए तो मेरे हिसाब से राशिद खान एक टॉप कैप्टेंसी चॉइस इस गेम में। वाइस कैप्टेंसी में आप जा सकते हो वन बिटवीन वॉर्नर एंड शुभमन गिल। अब मैं जा रहा हूँ शुभमन गिल के साथ, अज्यूमिंग कि जीटी बैट फर्स्ट एंड बॉल सेकंड में राशिद खान। अगर ये रिवर्स हो जाता है तो फिर कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइसेस वही हिसाब से हम बदल लेंगे। तो ये लग रही है अभी के लिए मेरी टीम, फाइनल टीम कोई भी चेंजेस मैं आपको बता दूंगा ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो टेलीग्राम पे। मेरा रिकमेंडेशन यही है जिस तरीके से गेम्स जा रही है आप मल्टीपल टीम्स बनाइए, क्योंकि जिस जिस टाइप की गेम्स यहाँ पे हो रही है कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। तो मल्टीपल टीम्स बनाइए अपने हिसाब से, टीम्स वहां पे बनाइए। आप समझते हैं कि ग्रैंड लीग में आप क्या रोटेशंस कर सकते हो ये मल्टीपल टीम्स बनाने के लिए। तो एक जो चीज यहाँ पे आप कर सकते हैं, शुभमन वर्सेस खलील का एक बड़ा मैचअप है, एंड वॉर्नर वर्सेस उमेश का भी एक बड़ा मैचअप है, एंड खलील का फॉर्म भी अच्छा है। तो डेफिनेटली ग्रैंड लीग्स में आप शुभमन गिल को रोटेट करके बाहर कर सकते हो, एंड उस जो स्पेसिफिक स्पॉट में आप जा सकते हैं विद अनदर डेली बैटर या विद अ मिडिल ऑर्डर जीटी बैटर। फिर बात की जाए राशिद की, तो राशिद आएंगे अगेंस्ट अ फुल फॉरेन मिडिल ऑर्डर, एंड उनमें से कई बैटर्स को दूसरी लीग में इनके इन्होंने परेशान किया है, एंड पंत का भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है इन फ्रंट ऑफ राशिद। सो डेफिनेटली वो भी एक मैचअप वर्थ कंसिडरिंग होगा। जीटी मिडिल ऑर्डर के भी दिन कुछ खास रहे नहीं है, कुछ अच्छे दिन रहे कुछ खराब दिन रहे, कुलदीप सेकंड बॉलिंग करते हुए इन्हें परेशान कर सकता है। तो याद रखिए जीटी चेजिंग एक दो टीम्स ऐसी भी बनाई है जहां आप जीटी का अच्छा स्टार्ट अज्यूम करें एंड फिर कुलदीप आके विकेट्स ले जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कहा जाए कि एक फ्लैट बैटिंग ट्रैक है तो डीसी के पास एक से एक अच्छा बैटर है। अगर वो पहले बैटिंग करते हैं कहते हैं कि फ्लैट ट्रैक है, तो बहुत ही ज्यादा मुमकिन है कि ये लोग क्या करेंगे, जो राशिद के ओवर है अच्छे ओवर्स खेल के निकालेंगे एंड बाकी बॉलर्स को ये टारगेट करेंगे। तो सिचुएशन में लोड अप ऑन डेली बैटर्स एंड सेकंड बॉलिंग में जो भी इंपॉर्टेंट डेली के बॉलर्स हैं। तो ये रहे आज के कुछ इनसाइट्स। ऑफ कोर्स हो सकता है इसमें से कोई भी चीज ना चले क्योंकि एक ग्रैंड लीग सिनेरियोस है, बट हमारा काम है कोशिश करते रहना, तो वही हम यहाँ पे करते रहेंगे। आई होप आप सभी को ये प्रीव्यू पसंद आया हो। जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट बनाए रखने के लिए, एंड डू रिमेम्बर टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।